सबसे पहले बात पंजाब की करेंगे, जहां पर किसानों की कर्ज माफी के सवाल पर अब बड़ा बवाल हो चुका है। आज पूर्व मंत्री और अकाली दल के नेता कर्ज माफी के सवाल पर विरोध पर उतरे हैं और पुलिस उन्हें वहां से हटाकर ले गई है। खबर यह है कि मजीठिया के वित्त मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन जब ये लोग करने गए तो पुलिस ने एक्शन लिया। तस्वीरें उस वक्त की जब इन लोगों को वहां से हटाया जा रहा था। पंजाब के वित्त मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे अकाली दल के नेताओं और किसान परिवारों को चंडीगढ़ पुलिस हिरासत में ले रही है। आप देख सकते हैं तकरीबन सुबह से ही वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के घर के बाहर अकाली दल के विधायक उन किसान के परिवारों को लेकर आए थे जिन्होंने कर्ज के तले दबे होने की वजह से खुदकुशियां की थी, और वित्त मंत्री अपने घर के अंदर कैद थे। अब आप देख सकते हैं अकाली दल के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस यहां पर हिरासत में ले रही है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का ये घर है जहां पर ये तमाम नेता बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस यहां से उन नेताओं को और उनको उठा रही है धरने पर जो बैठे हुए थे। आप देखिए काफी धक्का मुक्की यहां पर हो रही है, और सुबह से ही वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को यहां पर बजट पेश करने जाने के लिए निकलना था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं तमाम नेताओं के साथ यहां पर धक्का मुक्की हो रही है। अकाली दल के तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं, विक्रम मजीठिया यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो तमाम किसानों के परिवार हैं जो पंजाब के अलग अलग कोनों से यहां पर आए थे उनको भी चंडीगढ़ पुलिस जो है यहां से हिरासत में ले रही है। आप देख सकते हैं ये वो किसान हैं जिनके परिजनों ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशियां की थी। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर धक्का मुक्की हो रही है अकाली नेताओं के साथ। ये देखिए ये दृश्य है, ये देखिए यहां पर किस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस जो है जबरदस्ती यहां से अकाली दल के नेताओं को उठा रही है। आप देख सकते हैं ये वो परिजन हैं जिनके परिवार वालों ने खुदकुशियां की थी, अपने फोटो लेकर यहां पर आए हुए थे, कर्जे की माफी और नौकरियों की मांग ये कर रहे थे। आप देख सकते हैं एन के शर्मा जो कि विधायक हैं उनके साथ अन्य और भी विधायक हैं उनको चंडीगढ़ पुलिस यहां से ले जा रही है। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अकाली नेता विक्रम मजीठिया यहां पर मौजूद थे। मजीठिया साहब क्या हो रहा है यहां पे? पंजाब पुलिस का हाल देख लो, आज खुदकुशी परिवारों पे अत्याचार हो रहा है, धक्का हो रहा है, कुछ खुदकुशी परिवार को इंसाफ नहीं धक्का शुरू करता है। पुलिस ने लाठी चार्ज करने फिर दी है उन्होंने परिवारों जेड़े अगे बेचारे खुदकुशी तो पीड़ित है, गल सुन के राजी नहीं, हाल वेखो की कर रहे है। और आइए पंजाब से अब आपको दिल्ली की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि दिल्ली हिंसा की शिकार हुई लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी की तरफ लौट रही है, और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। इसी फ्लैग मार्च की तस्वीरें कुछ समय पहले जब हमारे संवाददाता ने भी बात करने की कोशिश की पुलिस ऑफिसर्स से तो उनका ये कहना था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस वक्त अपनाए जा रहे हैं ताकि आपस में जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके बीच में विश्वास पैदा हो एक दूसरे के ऊपर, बेखौफ लोग घरों से निकलें अपने काम पर जाएं। आज क्योंकि जुम्मे का दिन भी है तो नमाज के लिए भी जो लोग घरों से निकलना चाहते हैं वो निडर होकर मस्जिदों तक जाएं। मिश्रा जी आज आप लोग खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि दुकानें खोलिए जो जरूरी है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस दुकान को खोलने की रिक्वेस्ट जो है हमारे पास खुद दुकानदार ने आके कहा कि हम लोग केमिस्ट की दुकान है, हम खोलना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल खोलिए आप, और आप हम लोगों के प्रेजेंस में ही खोलिए। और हम अभी जिस इलाके में हैं ये चांदबाग इलाका है, यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन दो तीन दिन से जो हम लोगों का एक जनता के साथ संपर्क और जो हमारा एक फ्लैग मार्च है, हम गली गली में जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और हमारा बेसिक पर्पस यही है कि जो यहाँ ऐतिहासिक रूप से इनका अपना एक जनजीवन रहा है, जो सौहार्द का जीवन रहा है, वो धीरे धीरे रिवाइव हो, और ये सारे जो सिम्टम्स साइंस हैं वो उसी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के हैं। और ये कल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस सड़क पे हम पहले दिन जब थे यहाँ पे बहुत कम लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पे जिनको काम पे जाना है वो काम पे जा रहे हैं। दुकानें ग्रॉसरी वगैरह की तो कल से ही खुली हुई है, और बहुत गलियों में भी कई छोटे छोटे मार्केट्स हैं जहाँ लोग सब्जी उब्जी रखते हैं,
वो सब्जी वगैरह भी की दुकान वहाँ खुली, मार्केट कब तक खुल जाएगी, बाकी चीजें? आई थिंक अब ये धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है, और आज जो लोग यहाँ पे, कई मस्जिद हैं हमारे, बड़े बड़े मस्जिद, छोटे मस्जिद हैं, हर मस्जिद पे हमारे इंतजाम लगे हैं, और हम जानते हैं कि जुमे के नमाज पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, बहुत हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो आके ऑफर प्रेयर करते हैं वहाँ पे, उनको भी हमने इलाके के जो भी यहाँ के अमन कमेटी के हमारे लोग हैं और बाकी मौजूद लोग हैं उनके साथ भी कल हमने रास्ता जो है इस्टेब्लिश किया, उनके साथ बातचीत करने के बाद, और उनको हमने श्योर किया है कि कल के जुमे की नमाज में आप उसी तरह जुमे की नमाज पढ़िए जैसे रोज रात पढ़ते हैं, बिना किसी डर के। आपके दिमाग में ये डर, जब आप अल्लाह को याद कर रहे हैं तो आपको कोई ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे है। ये हम हर अक्रॉस दोनों कम्युनिटीज, जो भी यहाँ कम्युनिटीज रहती हैं, उन सबको हम ये मैसेज देना चाहते हैं। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 38 तक जा पहुंचा है। हिंसाग्रस्त इलाकों से उपद्रवी तो गायब हैं, लेकिन उपद्रवों के निशान बाकी। मौत की चीखें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मातम का धुआं अब भी उठ रहा है। हिंसा शांत है, लेकिन घर और दुकान शोले और कालिख में तब्दील है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पत्थरबाजी, पेट्रोल बम फेंकने और छत पर मौजूद दर्जनों उपद्रवियों की तस्वीर जब वायरल हुई तो बवाल मच गया। शुरू में तो आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को प्रताड़ित साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब न सिर्फ पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी उसे अपनी पार्टी से निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। वीडियो में फंसने के बाद ताहिर हुसैन पर न सिर्फ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, बल्कि पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आईईबी के युवा अफसर अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, और मर्डर के आरोप में आईपीसी की धारा 302, 201, 365, 34 के तहत केस दाखिल हुआ है। वायरल वीडियो में उपद्रवियों के साथ दिखने वाले ताहिर हुसैन की पहले फैक्ट्री सील की गई, कुछ घंटों में हत्या का केस दर्ज हुआ और बाद में जांच पूरी होने तक आपने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आखिरकार 302 का मामला दर्ज कर दिया। साथ साथ इस मामले में अंकित की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे भी खुलासा हुआ है कि अंकित की जो हत्या की गई थी, वो चाकू के कई निशान मिले उसके शरीर पर। साथ साथ अभी तक जो ओवरऑल एक्शन हुआ, 48 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो गई है। साथ साथ 500 के आसपास लोगों को डिटेन्ड और अरेस्ट किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उन उपद्रवियों की पुलिस पहचान कर पाएगी या नहीं, क्योंकि कई ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने हेलमेट पहना था, मास्क पहना था, उन्होंने सीसीटीवी तोड़ दिए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके खजूरी खास में ताहिर हुसैन की फैक्ट्री को पुलिस ने सील कर दिया है। खजूरी खास के जिस इलाके में ताहिर खान की 4 मंजिला इमारत को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, उस इमारत की हर मंजिल पर तबाही, बर्बादी और बवाल मचाने का पूरा जखीरा हाथ लगा है। कहीं पेट्रोल बम, कहीं पत्थर के टुकड़े, कहीं तेजाब के पाउच, तो कहीं पत्थर को बरसाने के लिए गुलेल। ये देखिए, तमाम पत्थर, पेट्रोल बम पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से हिंसा रची गई, किस तरह से हिंसा फैलाई गई, और ये सब कुछ यहीं पर हो रहा था। कार्टन में बाकायदा सजे हुए पेट्रोल बम बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई थी और किस तरह से यहाँ से अटैक किया जा रहा था। ये 3 पेट्रोल बम यहाँ पर, गुलेल यहाँ पर, यहाँ से सामने वाले घर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहीं से जो आते जाते लोग हैं, सामने वाले घर हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा था। हिंसा की आग में झुलसा उत्तर पूर्वी दिल्ली अब अमन चैन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने भी राजधानी के इस बड़े इलाके को 4 दिनों तक बर्बादी और दहशत का अड्डा बनाकर रखा है, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली से चिराग गोठी, अरविंद ओझा और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। पार्षद ताहिर हुसैन को न सिर्फ पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, बल्कि पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने ताहिर हुसैन का बचाव किया, लेकिन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि हिंसा में न सिर्फ ताहिर हुसैन बल्कि केजरीवाल का भी हाथ है। कल देर शाम तक आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन इस वीडियो के बेपर्दा होने के बाद बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। हिंसा में अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश में ताहिर हुसैन सफाई तो दे रहे हैं,
लेकिन तस्वीरों और वारदात को वो कैसे झुठलाएंगे? फैक्ट्री सील हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई और आम आदमी पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। हालांकि इस आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें तस्वीरों और हालात पर भी भरोसा नहीं, तभी तो झट से ताहिर के बचाव में सियासी जाल फेंक दिया। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने ट्वीट किया, ताहिर हुसैन बेकसूर है, बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। अमानतुल्ला खान ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो भड़काऊ भाषण देने के आरोपी कपिल मिश्रा ने तो ताहिर हुसैन को लेकर और भी संगीन इल्जाम जड़ दिया, किसी और पर नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ही। मुझे लगता है कि जिनके घरों में बम मिले हैं वो जिन पार्टी के हैं उनको जो समर्थन करते हैं जवाब उनको देने हैं इस हिंसा के। और ताहिर हुसैन जी की उन तीन दिनों की गतिविधि अगर खोली जाएगी, उनकी लोकेशन, उनके फोन के रिकॉर्ड खोले जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस हिंसा के तार इस दिल्ली के मुख्यमंत्री और संजय सिंह इन दोनों तक पहुंचेंगे। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन उससे कहीं तेजी से उस पर होने वाली सियासत परवान चढ़ रही है। खासकर दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केंद्र पर काबिज बीजेपी के बीच ताहिर हुसैन को लेकर खींचतान मची है। अभी जो ताहिर हुसैन का जो अभी वर्जन आया है, अभी तो अब जो ताहिर हुसैन का वर्जन आया है कि जो ये घटना हुई है उसके पहले से ही वो पुलिस के माध्यम से उस घर से बाहर जा चुके थे। दिल्ली में अभी सुरक्षा सख्त, गोकुलपुरी इलाके में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। दिल्ली के बौद्धपुर में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। चांदबाग इलाके में चहल पहल शुरू, घर से निकलते दिखे लोग। उत्तर पूर्वी दिल्ली में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात, खाने पीने का सामान खरीदने आए लोग। हिंसा प्रभावित इलाकों में अब खुल रही है दुकानें, चांदबाग में दूध खरीदते दिखाई दिए लोग। दिल्ली के चांदबाग इलाके में आए एसीपी ओपी मिश्रा स्थानीय लोगों से बात की। नॉर्थ दिल्ली हिंसा में हर दिन बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, 38 तक पहुंची मरने वालों की संख्या। पार्षद ताहिर हुसैन पर गिरफ्तारी की तलवार, घर और दुकानें सील, अंकित शर्मा हत्याकांड में तलाश तेज। आप नेता संजय सिंह का ट्वीट, केंद्र सरकार पूरी बेशर्मी के साथ दंगा भड़काने वालों के साथ खड़ी है, कब होगी दंगाइयों पर एफआईआर। भड़काऊ मामले में अब 13 अप्रैल को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, वहीं शाहीनबाग के अलावा बंद 8 रास्तों को लेकर दायर अर्जी पर 30 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली हिंसा पर शिवसेना का सरकार से सवाल, सामना में पूछा जिस वक्त राजधानी जल रही थी कहां थे अमित शाह। दिल्ली हिंसा के विरोध में बीड़ में 200 से ज्यादा लोगों ने सिर मुंडवाया, सरकार के खिलाफ गुस्से का किया इजहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे प्रयागराज, 27,000 बुजुर्गों दिव्यांगों को बांटे जाएंगे उपकरण। प्रयागराज से चित्रकूट भी जाएंगे पीएम मोदी, वहां 2 दिन के लिए 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए। पंजाब विधानसभा में बजट भाषण से पहले अकाली दल का हंगामा, किसानों के मुद्दे पर वित्त मंत्री के घर के बाहर किया गया प्रदर्शन। आजमगढ़ में कारोबारी को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में दिल दहलाने वाला हादसा, घर में छापेमारी करने पहुंचे पुलिस के जवान की करंट लगने से मौत। ललितपुर में बारात के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल, महिला ने भी चलाई पिस्तौल। कानपुर में बीच बाजार जमकर मारपीट, मरीजों को दवा बेचने की होड़ में 2 मेडिकल दुकानदारों में भिड़ंत। दिल्ली के नजदीक नोएडा में सड़क पर जली कार, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। बुलंदशहर में सरिया गैंग के 7 अपराधी गिरफ्तार, हथियार, लूट के सामान और 15 लाख कैश के साथ धरे गए। छतरपुर में पानी के विवाद में एक शख्स की हुई हत्या, 2 आरोपी पकड़े गए। बरौली हाजीपुर रेल रूट पर रेलवे लाइन में आई दरार, टला बड़ा ट्रेन हादसा।
हैदराबाद में एक घर की दीवार गिरी, 3 बच्चों की गई जान। हिंसा की बात करेंगे जिसमें मरने वालों का आंकड़ा अब 38 तक जा पहुंचा है। हिंसा के पीछे आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोपों की बौछार हो रही है। ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। खुद पुलिस वालों ने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली और सारी तसल्ली करने के बाद में 11:30 बजे सीनियर अफसर वहाँ से चले गए थे। कड़े से कड़े कानूनी प्रावधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गली से ही निकला होता गली में से खेस गए मेरे बच्चे को। जितना दुख उनको है उससे कई गुना दुख शायद मुझे भी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इल्जाम मुझ पे लग रहा है। ताहिर के घर में असला मिलना, अमानतुल्लाह का बयान, जिन्ना वाली आजादी की मांग, इसके बारे में चुप्पी करोगे? सख्त से सख्त सजा दो, जो सजा बनती है उसे डबल सजा दे दो अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला पकड़ा जाता है। इस शख्स पर सवाल ही सवाल है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर उपद्रव की साजिश रचने का आरोप है। आईबी अफसर अंकित शर्मा के परिवार वालों ने भी हत्या का आरोप लगाया है। मेरा बच्चा गली से ही निकला होता गली में से खींच के ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ले गए मेरे बच्चे को खींच के। इस शख्स के खिलाफ सबूत है, मुकदमा दर्ज है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब भी इंतजार ही कर रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर को सील कर दिया गया और क्योंकि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, वो फरार हैं, अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है। अब देख सकते हैं कि पूरे उनको सील कर दिया गया, ये नीचे फैक्ट्री थी, ऊपर घर था, सील लगा दी गई है और ये ताहिर हुसैन का घर है। कल हालांकि वो उपलब्ध थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जैसे उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस को की गई शिकायत में अंकित शर्मा के पिता ने साफ कहा कि उनके बेटे की हत्या ताहिर हुसैन ने ही कराई। अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मर्डर के आरोप में आईपीसी की धारा 302, 201, 365 और 34 के तहत केस दाखिल हुआ है। ताहिर हुसैन की फैक्ट्री सील कर दी गई है। मुकदमा दर्ज होते ही आम आदमी पार्टी ने भी ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ लिया। ताहिर हुसैन को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन दामन पर दाग इतने गहरे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अपना बचाव करना ही मुश्किल हो रहा है। ताहिर के घर में असला मिलना, अमानतुल्लाह का बयान, जिन्ना वाली आजादी की मांग, 100 करोड़, 15 करोड़ का एक धमकाना अंदाज, इसके बारे में चुप्पी करोगे और बीजेपी सरकार को सवाल पूछोगे? जिन्होंने शांति भी कायम की है, जांच भी चल रही है, तेजी से चल रही है और दोषी निश्चित साबित होंगे। जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ। मैंने कह दिया आपको, सख्त से सख्त सजा दो, जो सजा बनती है उसे डबल सजा दे दो अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो। केजरीवाल डंके की चोट पर सजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि पार्टी के नेताओं की तरफ से अब भी ताहिर हुसैन का बचाव हो रहा है। पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान का ये ट्वीट देखिए। ताहिर हुसैन बेकसूर है, बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है और खुद ताहिर हुसैन भी खुद को साजिश का शिकार साबित करने की कोशिश में ही लगे हैं। जिस वक्त बिल्डिंग मकान मैंने पुलिस के हवाले किया था, इस बात की खुद गवाही हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे देंगे कि हाँ, मकान को तलाशी लेने के बाद में इनको वहाँ से हटा दिया गया था और वहाँ मौजूद थे। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है, मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सदमे में है, उपद्रव में 38 बेकसूर मार दिए गए, लेकिन सियासत ने इसमें भी अपने लिए संभावना तलाश ली। ऐसी राजनीति पर लानत है। दिल्ली से चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
आपको बता दें कि ताहिर हुसैन पर आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या का आरोप लगा है। परिवार का साफ कहना है कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन ने ही करवाई, जबकि ताहिर हुसैन ने इसे साजिश बताया है। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए, तू एक बार देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा, मैं बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कह लगा आंटी कह रही है मार दिए, कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा, मैं ये बच्चा नहीं गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ही ले गए मेरे बच्चे को खींच कर। मैं चाहता हूँ कि देखिए जो व्यक्ति जो अंकित शर्मा जिसकी डेड बॉडी मिली है वो बहुत ही दुख का मैटर है, उसके परिवार बहुत सदमे में है और जितना दुख उनको है उससे कई गुना दुख शायद मुझे भी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इल्जाम मुझ पर लग रहा है और आज तक मुझे ज़िंदगी में जो मैंने हमेशा अमन कमेटी के जरिए हो या किसी भी तरह से मैंने भाईचारा हिंदू मुस्लिम कायम करने का काम किया है और सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में जाकर रह रहा हूँ, इससे बड़ा मैं और सबूत नहीं सकता। रात को पता चला, रात को 2 बजे हमें पता चला जिस औरत ने देखा, इसमें दो तीन लाश गिरी है, एक काट के गिरी है, दो सावत गिरी है, हमने रुके मचाए बोरी भर भर के कट्टे गिर दिए, वे दब जा नीचे, मेरे बच्चे कट्टे के नीचे दबे मिले, जो नाले पे गिर रहे थे ना, वे छत पे से कोई हमारे फैमिली देख रही थी, उन्होंने कही भाई 6 बजे बॉडी गिरी है इसमें और उनके ऊपर भारी भारी बोझा, अगर जो तुम बताओगे तो तुम्हारे गोली मार देंगे। और 24 तारीख को जिस वक्त बिल्डिंग मकान मैंने पुलिस के हवाले किया था, इस बात की खुद गवाही हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे देंगे कि हाँ मकान को तलाशी लेने के बाद में इनको वहां से हटा दिया गया था और वहां मौजूद थे। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है, मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस दंगे को भड़काया है, जैसे कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने भड़काऊ बयान दिए या बारिश पठान जैसे लोगों ने बयानबाजी की, जिसके चलते दिल्ली में कई दिनों से माहौल खराब था है, जबकि प्रोटेस्ट तो कई महीनों से चल रहा था, इलेक्शन आराम से निकल गया, शांति से निकल गया, लेकिन इन 2-3 लोगों ने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसकी वजह से यहाँ के जो आवाम थी वो कहीं ना कहीं आपस में गुमराह हो गई और ये पूरी दिल्ली का माहौल खराब हुआ है। सवाल ये है कि अब दिल्ली पुलिस आप पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करने से क्यों हिचकिचा रही है, वो कौन सी वजह है जो दिल्ली पुलिस को एक्शन से रोक रही है? आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर को सील कर दिया गया और क्योंकि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, वो फरार हैं, अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है। अब देख सकते हैं कि पूरे उनको सील कर दिया गया, ये नीचे फैक्ट्री थी ऊपर घर था, सील लगा दी गई है और ये ताहिर हुसैन का घर है। कल हालांकि वो उपलब्ध थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जैसे उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कई तरह के कि वो इन्वॉल्व थे इन तमाम जो घटनाएं हुई हैं, जो दंगा हुआ है, लेकिन अब पुलिस को उनकी जगह जगह पर तलाशी ली जा रही है उनको लेकर के, उनको पकड़ने को लेकर के, लेकिन वो अभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा ताहिर हुसैन के घर के सामने का इलाका है जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, ये पूरा पूरी ये सड़क है जो ताहिर हुसैन के घर के नज़दीक का पूरा है, पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, पत्थर ईंटे सब यहाँ पड़े हुए हैं और देख सकते हैं कि पेट्रोल पम और तमाम चीज़ें यहाँ पे मिली थी, खाली बोतलें हैं, इसके अंदर पेट्रोल शायद भरा हुआ है, ये सब चीजें यहाँ पे मिली थी ताहिर हुसैन के घर पे। उस पूरी गाड़ी आग लगी और यहाँ पे पार्किंग है, पूरी गाड़ी आग लगा रखी, पूरी गाड़ियों में गाड़ियों की पार्किंग थी, हाँ पार्किंग थी ये बराबर में, पूरी में आग लगी पड़ी है। पूरा नॉर्मलसी की तरफ है, दुकानें खुल गई है, मार्केट खुल गई है, लेकिन अभी कहीं जगह पर ये ईंटे पत्थर और ये तमाम सामान अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन हालात बहुत सामान्य हो चुके हैं, रोजमर्रा की जीवन शुरू हो गया है। कैमरामैन पवन के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक। हिंसा के शिकार हुए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किस बेरहमी से उपद्रवियों ने हत्या को अंजाम दिया। अंकित शर्मा पर चाकू से अंधाधुंध हमले किए गए। गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ही ले गए मेरे बच्चे को खींच कर। इस परिवार की तकदीर में बस अब ये तस्वीर बची है और बचा है दुख और तकलीफ का लंबा सिलसिला। अंकित पर हुई दरिंदगी की खौफ भरी यादें और इंसान के शैतान बन जाने के सबूत।
बेटा से भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कह लगी अंकित मार दिए तू एक बार देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ, मैं बोटी बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कह लगा आंटी कह रही है मार दिया कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा मैं ये बचाने गया वहाँ मेरा बच्चा गली से ही निकला होता गली में से ही खेच कर ले गए मेरे बच्चे को। अंकित शर्मा को जिस दरिंदगी से मारा गया वो दहला देने वाली है। अंकित के पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर की हर लाइन चीख चीख कर कह रही है अंकित के साथ किस हद की बेरहमी हुई। अंकित के पिता का कहना है अंकित की लाश सिर्फ अंडरवेयर में बरामद हुई, चेहरे छाती पीठ कमर पर तेज धार हथियार से चोट के निशान थे, पहचान छिपाने के लिए चेहरे को जलाया गया था। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू के अनगिनत निशान मिले। अंकित शर्मा के पेट और सीने पर भी हमले के निशान मिले हैं। अंकित शर्मा पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए गए। हुआ क्या सर? सर हुआ तो लड़का पकड़ा से नहीं, खड़ा सा लड़का। अच्छा आपका बेटा? ये अंकित के फादर है, बताइए। वो लड़का अचानक सर यहाँ वो पत्थरबाजी हो रही थी आपस में। कब? कल। कल सर। हाँ शाम के टाइम 5:30 के करीब हुआ सर ये। हाँ। 5:30 उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए? अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। ताहिर कौन है? काउंसिलर है यहाँ? आप पार्षद है यहाँ का? तो आप कह रहे हैं वो काउंसिलर के घर में ले गए आपके बेटे को? 15-20 बंदे थे। अंकित के परिवार वालों ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता का साफ साफ कहना है कि पार्षद ताहिर हुसैन ने ही हत्या कराई है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्षद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी कब होती है। चिराग गोठी, तनसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 38 तक पहुंच चुका है। हिंसाग्रस्त इलाकों से उपद्रवी तो गायब है लेकिन उपद्रव के निशान अभी बाकी हैं। जिंदगी थमती नहीं, हिंसाग्रस्त इलाकों में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं लेकिन डर अभी भी मौजूद है। नफरत के शोले, दहशत से भरा अंधेरा, गम और गुस्से का गुब्बार और इंसानियत पर हमलों से छलनी दिल्ली अब धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ रही है। मैं चांदबाग इलाके में करावल नगर के खड़ा हूँ इलाके में। आप देख सकते हैं कि दुकानें खुल गई है, ये रोजमर्रा की दुकानें, बेकरी की दुकान है। कितने दिन के बाद आपने खोली है दुकान? 5 दिन बाद। आज लोग सुबह से लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए घरों में। बच्चे आप लेने आई है घर के लिए सामान? यस। कितने दिनों के बाद आप खरीदने आई है यहाँ पे? 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद देख सकते हैं कि ये हलवाई की दुकान है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग घरों में लेके जा रहे हैं, पूरियां बनाई जा रही हैं। कितने दिनों के बाद दुकान? 5 दिन के बाद। दिल्ली के उपद्रव ग्रस्त इलाके जैसे जाफराबाद, मौजपुर, खजूरी खास, गोकुलपुरी में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। सड़कों पर चहल पहल है, वाहनों की आवाजाही है और अब धीरे धीरे बाजार भी खुलने लगे हैं। जो रोजमर्रा की दुकानें हैं, चीजें हैं, दूध, ब्रेड, सब्जी वगैरह, अब थोड़ी सी खुलने लग गई हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है इस वक्त यहाँ पर, और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों के निजी सामान के लिए एक दूध की दुकान भी खुल गई है। हालांकि यही वो जगह है जाफराबाद की मौजपुर चौक जहां से दंगों की शुरुआत हुई थी, इसी कारण से एक तरफ आप देख सकते हैं कि अब भी फोर्स की तैनाती यहां पर है। उपद्रव ग्रस्त इलाकों में अमन की वापसी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से मुमकिन हुई है। अर्धसैनिक बलों की गश्त लगातार जारी है, देर रात भी इन इलाकों में चौकसी जारी रही। 2-3 दिन से जो हम लोगों का एक जनता के साथ संपर्क और जो हमारा एक फ्लैग मार्च है, हम गली गली में जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और हमारा बेसिक पर्पस यही है कि जो यहाँ ऐतिहासिक रूप से इनका अपना एक जनजीवन रहा है, जो सौहार्द का जीवन रहा है, वो धीरे धीरे रिवाइव हो और ये सारे जो सिम्टम्स साइंस हैं वो उसी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के हैं। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के मुस्तैदी का असर हो रहा है लेकिन सवाल है कि दिल्ली पुलिस ने जागने में इतनी देर क्यों कर दी।
जब इंसानियत जल गई, बेकसूर मार डाले गए, तब पुलिस की नींद खुली। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में रविवार से शुरू हुई हिंसा अब करीब करीब खत्म हो चुकी है, लेकिन कई घरों और परिवारों पर उसके घाव ताउम्र बने रहेंगे। ऐसे में अलग अलग इलाकों से आ रही आपसी भाईचारे की खबर इन घावों पर मरहम का काम जरूर कर सकती है। पहले हम, बाद में आप। इंशाल्लाह आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। हम जा रहे थे तो मुसलमानों ने कहा कि बाबा तुमसे कोई नहीं कुछ कहेगा। दिल्ली जब तीन दिन से हिंसा की आग में जल रही थी, दो समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। उसी दौरान कुछ जगहों पर दोनों समुदायों ने एक होकर न सिर्फ इंसानियत का पैगाम दिया बल्कि एक दूसरे की रक्षा भी की। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में जिन इलाकों में हिंसा फैली है उनमें से एक है चांद बाग। यहाँ भी भीड़ आई और तबाही मचा कर चली गई। घर, गाड़ियां, मंदिर, मस्जिद, इस कहर से लोग और इमारतें कुछ नहीं बच पाया। चांद बाग में जब एक मंदिर पर हमला हुआ तो वहां रहने वाले मुसलमानों ने एकजुट होकर मंदिर को बचाया। तो हम जा रहे थे तो मुसलमानों ने कहा कि बाबा तुमसे कोई नहीं कुछ कहेगा, आप तो पुजारी हैं, वो हम भी आपके हैं, हमारे आप हैं, हाथ मिलाने लगे, ये काम किया हमारे साथ खूब। कुछ नहीं, एक कंकड़ भी नहीं फेंका, कतई बिल्कुल कोई मतलब नहीं। मुस्लिम मंदिर की ढाल बन गए और हिंदुओं के साथ मिलकर मानव श्रृंखला बनाई और मंदिर पर आंच नहीं आने दी। का मेन टारगेट था कि मंदिर को डिस्ट्रॉय करना, जिससे ये एक गलत मैसेज पहुंचे कि मुसलमानों ने तोड़ा है, जबकि मुसलमानों ने ही इस मंदिर को बचाया है। ह्यूमन चेन बनाकर कितने ऐसे, मैं आपको दिखा दूं, हमारे भाइयों वगैरह को पत्थर लगे कि उन्हें चोट लगी है। हम सारे जितने ये गली के लोग हैं, ये हमारे पीछे खड़े हैं, ये हमारे भाई सब जितने खड़े हैं और ये हमारी बहनें, हम सब लोग एक चैन बना करके यहाँ पे खड़े हुए थे। हमने दंगियों को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने थे, बिल्कुल भी। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल जाकिर नगर में भी देखने को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में जब बीते रविवार को सांप्रदायिक हिंसा हुई तो जाकिर नगर के शिव मंदिर पर भी आंच का डर सताने लगा। मंदिर के पुजारी भी डर गए और यहां से निकलकर जाने की बात दिल में घर कर गई। देखने के बाद तो देखो डर तो लगता है कि भाई मानो जो है ये माहौल क्यों खराब हो गया है, क्यों ऐसा हो रहा है। जावेद वो भैया आए, उन्होंने बोला पंडित जी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम मतलब जो है कि अगर कोई गोली अगर चलाएगा तो सबसे पहले हम अपने सीने में खाने के लिए तैयार हैं। सभी लोग आए कि आपको किसी तरीके की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इलाके में रहने वाला मुस्लिम परिवार पुजारी के मन का हाल जान गया और हालात बिगड़ने से पहले ही वो लोग पुजारी से आकर मिले और उन्हें पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कहते हैं हिंसा करने वाली भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन इंसानियत का चेहरा जरूर होता है। हिंसा पीड़ितों की मदद करने वाला एक चेहरा जीटीबी अस्पताल के बाहर दिखा। यहाँ कुछ स्थानीय लोग घायलों के परिजनों के लिए खाने का विधिवत इंतजाम करते दिखे। बाकायदा ठेले पर बड़े बर्तनों में खाना लाकर प्लेटों में सजाकर पीड़ितों के परिजनों का पेट भरा। पोस्टमार्टम जीटीबी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम गृह पे हम लोग खड़े हैं, तो ये खाना इसलिए हम बांट रहे हैं क्योंकि लोग दूर दराज से, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, अपने अपनी बॉडी के इंतज़ार में हैं। कल से पोस्टमार्टम परसों से चल रहा है, बेचारे भूखे प्यासे आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आकर हम लोग खाना थोड़ा तकसीम करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये खाना नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही लोकल के आदमी जो यहाँ पर रहते हैं वो अपनी तरफ से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में रविवार से शुरू हुई हिंसा अब करीब करीब खत्म हो चुकी है, लेकिन कई घरों और परिवारों पर उसके घाव ताउम्र बने रहेंगे। ऐसे में आपसी भाईचारा मरहम का काम जरूर कर सकता है। दिल्ली से फरीद अली के साथ आज तक ब्यूरो। जिस मौजपुर इलाके में हिंसा भड़की थी अब वहां जिंदगी पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए आशिक संवाददाता मिलन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के बाद अब स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, खड़ी है, तैयार है। उनके पीछे
आप देख सकते हैं कि दुकानें इस वक्त बंद हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की दुकानें हैं, चीजें हैं, दूध, ब्रेड, सब्जी वगैरह, अब थोड़ी सी खुलने लग गई हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है इस वक्त यहाँ पर, और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों के निजी सामान के लिए एक दूध की दुकान भी खुल गई है। हालांकि यही वो जगह है जाफराबाद की मौजपुर चौक जहां से दंगों की शुरुआत हुई थी, इसी कारण से एक तरफ आप देख सकते हैं कि अब भी फोर्स की तैनाती यहां पर है और दुकानें अभी भी बंद हैं। ये दुकानें तब खुलेंगी जब लोगों में आपस में विश्वास पैदा होगा और लोग डर के बजाय घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन रोड पर अभी भी आवाजाही दिख रही है। आज लोग बहुत दिनों बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर वापस आए हैं और इससे पता चलता है कि स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है और चीजें सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लोकेंद्र पांडे के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में मिलन शर्मा, आज तक। हिंसा की आग तो बुझ चुकी है लेकिन दहशत अब भी बाकी है। नॉर्थ ईस्ट के मुस्तफाबाद इलाके में लोग रात भर जाग जाग कर गलियों में पहरा दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट देखिए। इस दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में हैं जहां पे कुछ दिन पहले दंगे हुए, और इस वक्त हम खड़े हैं एक इलाके में जहां रात के समय, इस वक्त समय 10 बज रहा है, और जो यहां के लोग हैं, खास करके जो यहां के नौजवान हैं, ये पहरा दे रहे हैं। खास बात ये है कि यहां पे हिंदू और मुस्लिम परिवार एक साथ रहते हैं। जिस दिन दंगा भी हुआ उस दिन भी ये लोग साथ थे। पीछे हम देख सकते हैं बैरिकेड लगा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, और यही इनकी रोज की अब रूटीन बन गई है। जिस दिन से दंगे भड़के, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग ये बैरिकेड लगाया हुआ है। एक बैरिकेड यहाँ पर है, एक बैरिकेड इन्होंने आगे भी लगाया हुआ है, और वो रही मेन रोड, वहीं से लोग अंदर आए थे। हालात, स्थिति पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ, जो लोग अपने घरों में, जिन लोगों के आग लगी, उनके पास कोई चारा नहीं है, उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। खौफ लोगों में अभी भी है, लेकिन इनका मानना है कि अगर साथ मिल के ये इसी तरह रहें तो कोई इस तरह की इंसिडेंट, इस तरह के हादसे आगे आने वाले दिनों में शायद ना हों। कैमरा पर्सन महेश के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।